चलो ओशन बचाए दोस्तों, हम तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने देंगे। बोरिंग, मेरी नई ड्रेस कितनी अच्छी है ना। खूबसूरत लग रही हो तुम सब। इस सिल्वर मर्मेड को लेके इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? मैं यहाँ कोई इम्पोर्टेंट चीज कह रही हूँ और तुम लोग, तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए। सॉरी, उसके स्केल्स बहुत शानदार हैं। हमारे सी स्कूल में मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। पकाओ हो, ये मेरा स्कूल है और ये मेरे फैंस हैं। रिलैक्स, मेरे गोल्डन स्किल्स की कीमत तुमसे कहीं ज्यादा है। तो तुम लोगों को लगता है कि हम प्रोटेस्ट फिर से शुरू कर सकते हैं? प्लीज नहीं। स्कूल प्रेसिडेंट को तंग करने की सजा मिलेगी। और हाँ, क्रिस को तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिस? हाँ, इसे कुछ नहीं पता। क्या हाल है मछलियों? नहीं मेरा, नहीं मेरा। हाँ बिल्कुल सही। दुनिया के समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए हमें लंबे समय तक पानी के नीचे रहना सीखना होगा। ये कितना कूल है। इससे कुछ नहीं पता, बल्कि मुझे पूछना चाहिए। टीना, एलिस, क्या तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो? हाँ मिस सिंडी। खड़ी हो जाओ, हमें ये बताओ तुम पानी के अंदर सांस कैसे लोगी? वैसे तो हम बात कर रहे हैं, शायद हमें यूज करने चाहिए गिल्स। चलो फाइनली तुम्हें समझ तो आया, चलो अब अपने गिल्स दिखाओ। वो इससे कुछ नहीं पता, बल्कि मुझे पूछना चाहिए। अच्छा, ये लो, देख लो, सुंदर स्टील गिल्स एलिस। वैसे तो हम बात कर रहे हैं। टीना, तुम्हारी बारी। शानदार। वाओ। लेकिन मुझे तो गोल्डन गिल ज्यादा पसंद है। क्या? मेरा क्या? मेरी क्रिस से दूर हटो बेवकूफ। ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ प्लीज। ध्यान रखो, क्लास के बाद तुम दोनों डिटेंशन में रहोगी। हे, जो किया है उसके लिए तो सजा मिलेगी। कितने लूजर्स हैं। ओह, मुझे उससे प्यार है। सी रॉकस्टार अल्टीमेट सिंगर है। बिल्कुल, काश वो हमारे स्कूल आता। ये कभी नहीं होने वाला, वो बहुत फेमस है। और वैसे भी अगर वो यहाँ आता भी तो वो बेवकूफ टीना और एलिस उस पर झपट्टा मारकर उसे छीन लेती। वो मेरे क्रश क्रिस को भी ऐसे छीन चुकी है। वो लड़कियाँ। और तुम दोनों भी उसकी चाल में फंस गई और मेरा प्रोटेस्ट बर्बाद हो गया। सॉरी, हमें कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। उनके पास माइंड कंट्रोल या कुछ और है, घमंडी। मैं एक सिल्वर मर्मेड हूँ, मैं एक गोल्डन मर्मेड हूँ और मैं एक आम मर्मेड हूँ, लेकिन मैं भी बहुत प्यारी हूँ। हाँ, 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 बिल्कुल सही है। और साथ ही मैं स्कूल की प्रेसिडेंट हूँ, इस जगह को चलाती हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। हमें उनको उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। कोई आइडिया है? हाँ, शुरुआत के लिए वो अमीर है, तुम्हें लेवल मैच करना होगा। ये मैं कैसे करूँगी? मैं कोई चोरी वोरी नहीं करने वाली। चोरी करने की जरूरत नहीं, हमें बस उन्हें मात देनी है। समझ गए। हमें उन्हें बेइज्जत करना होगा। बिल्कुल। शुक्रिया लड़कियों, अब मुझे पता है कि क्या करना है।
यहाँ कितनी बदबू है। हम यहाँ तुम्हारी वजह से सफाई में फंस गए। नहीं, हम यहाँ पर बस तुम्हारी वजह से हैं। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से सफाई करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। धूप से मुझे एलर्जी है, मेरे स्केल्स झड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जीनियस, तुम्हारे सोने के स्केल बहुत दे दिखते हैं। हे, और तुम्हारी सिल्वर, ये बिल्कुल सस्ती लग रही है। वाह, ये समझ गई, ये तो रॉक स्टार है। हाँ, मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं, मुझे नहीं, दो, दो, चलो दो, दो, दे दो मुझे, मैं कहती हूँ, मुझे दो, नहीं, मेरा, चलो। तुमने सब बर्बाद कर दिया। लो फिर। जेलीफिश कहेगी। छोड़ो। लो देखो, अब हम दोनों फंस गए हैं। अब हम कैसे सफाई करेंगे? छोड़ो इसे, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे क्रिस के साथ बाहर जाना है। बेहतर होगा, अच्छा तो यही रहेगा कि तुम ऐसा ना करो। फिर पकड़ के दिखाओ मुझे। नहीं, क्या धोखेबाज है, मैं पकड़ लूंगी। Hey Chris, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, तुम बिजी हो क्या? क्या हुआ है? मैं बस सोच रही थी कि शायद तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। मेरे को क्या पता है? अब बताओ। सस्ता है, एक्चुअली मुझे सोने में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या मेरे साथ बाहर चलोगे तुम? हाँ, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। हम रहेंगे। ठीक है, ये सोना है, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगा, चलो चलते हैं। क्या? हाँ, मैं सबसे खुश मरमेड हूँ। सम चीज सी विद। नहीं। डस्टी गॉर्गन्स, तुम क्यों हंस रहे हो? हमें तो उस मरमेड को तड़पते हुए देखना अच्छा लगता है। ये डेट तो बहुत अच्छी है, मैंने बस तुम्हारे लिए की है। मेरा सोना देखो, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। हाँ देखो ना, माँ ने क्या दिया है। बढ़िया है। और ये तुम्हारे लिए है। बढ़िया, उतार यार। नहीं, तुम उदास क्यों हो? क्या हमारी डेट पसंद नहीं आई है? अरे जल्दी मत करो, चिढ़ आ रही मुझे। तुम पसंद हो लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े। चलो मैं जा रहा हूँ जयराम जी की। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ हे, अभी हम डेट पर हैं, तुम जाओ ना। कौन सी डेट? ये एक स्कूल है, यहाँ पर कोई डेट पर अलाउड नहीं है। नहीं, मुझे रूल्स बिल्कुल भी याद मत दिलाना, ये तुमने अभी अभी बनाए हैं, क्योंकि तुम्हें मुझसे और कैसे जलन हो रही है। हाँ रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भूल गया मैं तो, वो मेरी प्रैक्टिस है ना, वाटर पोलो की। क्रिस तुम्हारी वजह से भाग गया। सही हुआ तुम्हारे साथ, रूल्स को फॉलो करना सीख लो। मिशन पूरा हुआ, क्रिस और टीना की डेट बर्बाद हो गई। बहुत बढ़िया, हमेशा सोचती थी कि तुम आलसी हो, पर ऐसा नहीं है। ये लो तुम्हारा पेमेंट। क्रिस को सिल्वर में दिलचस्पी नहीं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सही है। अब मुझे क्रिस के साथ मौका मिलेगा। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कर लो। अब मैं कैश में खेल रही हूँ, जैसे लड़कियों ने कहा था। आप उन मूर्खों को बेइज्जत करके क्रिस के दिल बरवार करना है। ये देखो कि सब ठीक हो गया है ना। अरे टेंशन मत, क्रिस आ गया, चलो शुरू करते हैं। अपनी सिल्वर छोड़ो, मुझे गोल्ड मिल गया है। एक बार ट्राई तो करो, सिल्वर बहुत ही अच्छा है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आजकल ये फैशन में है। मेरे को अंडा नहीं पता। क्या तुम मुझे डेट का एक और मौका दोगे?
अबे बस भी कर, इतनी मस्त लड़की सामने खड़ी हुई है। अच्छा ये एक फैंसी डेट है, तुम्हें पसंद आया? अरे क्या बता, तुम हमेशा इतने उदास और रूखे क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? क्या घंटा बता है? क्या मतलब है, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं एक सिल्वर मरमेड हूँ, मैं गिफ्ट्स डिजर्व करती हूँ समझे, मुझे अटेंशन चाहिए। बहुत हो गया, कैसे बचूं यार मैं से? बढ़िया, एक आइडिया आ गया है। किसका मैसेज है? कोई भी नहीं, मैं ऐसे क्रिसमस के लिए मिला कैलेंडर गिफ्ट कर दूंगा और ये एक सरप्राइज होगा। ये देख एक सरप्राइज है। सच में? बहुत बढ़िया। ये एक मरीन कैलेंडर है, लेकिन ऐसे क्रिसमस के पहले नहीं देते हैं, लगता है थोड़ी देर हो गई। एक नंबर लग रहा है, देख तो। उसे बोल रही थी कि गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, अब मिल गया ना। शुक्रिया क्रिस। लेकिन यहाँ एक शर्त है, तुम्हें सारे बॉक्स खोलने होंगे, उसके बाद हम ऑफिशियल को बुला। क्या? लेकिन इसे तो हर एक दिन खोलना होता है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अब ठीक है, मैं तैयार हूँ। बढ़िया, मैं जाता हूँ, और कैलेंडर के बारे में भूल मत जाइए, समझ गई? ओके। बढ़िया है, अब पूरे एक महीने के लिए परेशान नहीं करेगी मुझे। हे भगवान, क्रिस और मैं एक महीने तक डेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, कितना घटिया गिफ्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं अंदर क्या है। एओ, बदबू आ रही है, क्या ये कैलेंडर एक्सपायर हो गया है? कितनी भोली मछली है, इस कैलेंडर के झांसे में आ कैसे गई? अच्छा है मैंने क्रिस को ये मैसेज भेजा और उसे ये आइडिया दे दिया। ये कैलेंडर नए साल से ऐसे ही पड़ा है और अब ये घटिया गिफ्ट एलिस का हो गया है। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है, उसे शर्मिंदा करने का टाइम आ गया। किटी ने हम सबको यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है? हाँ, शायद ये अनाउंस करने के लिए कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम हो, क्रिस तुम्हारे साथ डेट से भाग गया और उसने मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर किया। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो? क्रिस, क्या हम साथ नहीं है? नहीं, कैलेंडर के बारे में भूल गई। तुम सब जल्दी हो। शांत हो जाओ। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। और गेस करो जज पैनल में कौन होगा? क्रिस। तुम्हें तो मैं पूरी तरह से हरा दूंगी सिल्वर गर्ल। शांत रहो, तुम्हारे पास एक शानदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तुम्हारे दोस्त मेरे लिए ये संभाल लेंगे। क्या गद्दार कहीं के, एलिस तुम्हारी भी। लग रहा है कहां से लेकर आई है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोस्त हैं। अब मेरे साथ कौन रहेगा? हम रहेंगे। गॉर्गन्स, क्या बात है, नहीं तो हम बोर हो रहे थे। खैर, वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सारी लड़कियां मुझ पर धमाल मचाते हो, देखने का इंतजार नहीं कर सकती। गुड लक लड़कियों। अब रिहर्सल शुरू करो। अरे मुश्किल थोड़ी ना, ये तो बैलेंस बना के चलने की बात होती है यार, तू भी क्या बात करता है। मेरे लिए कोई डांस रूटीन है? तुम खुद ही क्यों नहीं सोचती, आखिरकार ये तुम्हारा कंपटीशन है। तो फिर मैं तुम्हें पे क्यों कर रही हूँ, तुम्हें मेरे लिए सब करना होगा। अगर हम दूसरों की मदद लेंगे तो ये रूल्स के खिलाफ नहीं होगा? कीटी ने बस यूं ही कुछ बनाया है, ये कंपटीशन के रूल्स पे नहीं है। तो शुरू करो, चलो चलो चलो, जल्दी करो। मैं तो तंग आ गई हूँ, जब देखो तब हुक्म चलाती रहती है। तो हमें बस कैसे भी इसे उलझा के रखना और किसी तरीके से सोना ऐंठना पड़ेगा। बिल्कुल, चलो थोड़ा कुछ करते हैं, हम अभी भी पैसे इकट्ठा करेंगे। सुपर आइडिया। हाँ, क्या मैंने परेशान किया, तो फिर शुरू करो। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी सुबह और धूम। और बताओ तैयारी कैसे चल रही है?
मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सब करते हैं? हाँ, मैं अमीर हूँ, उन्हें पैसे दे सकती हूँ। अगर मुझे परफॉर्मेंस में चोरी की जरा भी भनक लगी तो तुम आउट हो जाओगी कॉम्पिटिशन से, समझी? ओ छोड़ो भी, वो कुछ शानदार सोच लेंगे, है ना दोस्तों? मुझे नहीं लगता तुम ये सब कुछ कर सकती हो, तुम सिर्फ षड्यंत्र रचती हो। और तुम गद्दारों, मेरी नजर है तुम पर। ये सच में बुरी है, बेचारी बस जल रही है। चलो शुरू करो। बुलबुल बुलबुल पानी का बढ़ना, ये है डायलर सी का सुपरस्टार ये। यार ये बहुत ही अच्छा है, काश मैं भी ऐसे ही परफॉर्म कर पाती। मैं इसके जैसा शानदार म्यूजिक वीडियो तो नहीं बना सकती, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम यहाँ हो? पूरे स्कूल में तुम्हें ढूंढ रहे थे हम। किस लिए? सीरियसली, रिहर्सल के लिए। हम साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगा ये मजाक है। क्या मजाक है? हम सीरियसली मदद करना चाहते हैं। वाओ, गॉर्गन्स मर्मेड की मदद करना चाहते हैं? दिमाग ठीक है? तुम सिल्वर हो, मैं सिल्वर हूँ, ये सिल्वर है और तुम हमारे बैकग्राउंड में बिल्कुल अलग दिखोगी। ग्लैमर और चकाचौंध से भरपूर। बहुत ही बढ़िया, चलो आज मिलकर एक साथ रिहर्सल करते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है, तो बाद में मिलते हैं क्यूटी। हुर्रे, अब मेरे पास भी टीम है। सही है, वो पूरी तरह मान गई है। कोई इतना कैसे बेवकूफ हो सकता है? अच्छा काम किया तुमने लड़कियों, वो इतनी जल्दी झांसे में कैसे आ गई? मरमेड्स यार बहुत भोली है और बेवकूफ भी। hey, मैं अभी वो सारी सिल्वर छीन लूंगी। ठीक है ठीक है, हमें क्या करना होगा? उसका परफॉर्मेंस बर्बाद कर दो। ये हम जरूर कर सकते हैं। एक मरमेड का काम बर्बाद करना, इसी के लिए हम यहाँ है। एलिस, मैंने तुम्हारे सिल्वर से गॉर्गन को रिश्वत दी थी। कितना शानदार, तुमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली। तो काम जारी है, एलिस का परफॉर्मेंस बर्बाद करने का समय आ गया। बस याद रहे, जीत मेरी होनी चाहिए। तुम लोग रिहर्सल करते रहो, कॉम्पिटिशन जल्दी है। मेरी बॉडी का छैया छैया हो गया। आखिर कितना दिखावा करेंगे यार, जैसे हम किसी की तैयारी कर रहे हो। हाँ, अरे सही बोला यार, थक गए हैं। हाँ। बहुत। Hey girls, कैसा चल रहा है? हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस अमेजिंग हो। ये मुझे पागल कर रही है, मैं इसके भी। साथ और नहीं घूमना मुझे, इसे हमें सहना होगा। याद है ना, हमें पैसे मिल रहे हैं। वैसे तुम लोग फुसफुसा क्यों रहे हो? सब अच्छा है। ठीक है तो फिर प्रैक्टिस करते रहो। क्रेज कैसा चल रहा है? ठीक हूँ। परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? बैगन। ये नया कैसे हुआ? कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? किसकी साइड में हो तुम लोग? हंसना बंद करो। और तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? हाँ, वो कैलेंडर, मैंने अभी तक उसे खोला नहीं है। हम जल्दी एक साथ होंगे। उसका कुछ भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही इतने लायक है। हेलो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? आखिर कितनी मेहनत की जा रही है? अपने काम से मतलब रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हारे चमचे कैसे? क्या उन्होंने तुम्हारे लिए गोल्डन परफॉर्मेंस तैयार किया है? हाँ, मेरे पास सब बढ़िया है, चिंता मत करो, कॉम्पिटिशन जल्दी है। ये क्रिस की तरफ से गिफ्ट है। क्रिस? हाँ, कहाँ, जब तक मैं ये खोल नहीं लेती तब तक मेरे साथ नहीं होगा। पर वैसे अंदर काफी बदबूदार वीड्स हैं। तो ये पुराना है और एक्सपायर है,
मैं समझा लूंगी। सुनो चलो चलकर क्रिस को मात देते हैं। कैसे? पूरा महीना इंतजार क्यों करना? पूरा कैलेंडर खोलो और देखो, क्रिस ने कभी नहीं ऐसा कहा है। हाँ सही कहा। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? कितना बदबूदार है। तुम्हें क्या उम्मीद थी? प्यार एक दर्द है। प्यार में पड़ के बदबूदार कैलेंडर पाओ। और ये सारे कबाड़ का मैं क्या करूँगी? सब एक साथ? और क्या, क्रिस ने इसे तुम्हें यूं ही नहीं दे दिया? हाँ? इस बारे में सोचो, वो चाहता था तुम इसको पहन लो। सब एक साथ? हाँ बिल्कुल, कॉम्पिटिशन में। और क्रिस तुम्हारी खूबसूरती से बहुत खुश होगा। वाओ, तुम कितनी अच्छी हो। बुरा हुआ कि हम पहले दोस्त नहीं बने, मुझे लगा था तुम मतलब ही हो, लेकिन तुम तो बहुत ही प्यारी हो। अब मैं क्रिस के लिए सबसे खूबसूरत बन जाऊंगी। बिल्कुल। ये बिल्कुल मूर्ख है, इसे कचरे में बैठने देती हूँ और मैं स्टाइलिस्ट से मिलती हूँ। आइए हमारे ब्यूटी स्पॉट सी सिकनेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं सी रॉकस्टार के म्यूजिक वीडियो जैसे ये गोल्डन लुक पाना चाहती हूँ। ये हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तुम्हें यकीन है ये बिल्कुल वैसा ही होगा? बिल्कुल, ये सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है, होबो चिक। हाँ, पर मुझे होबो चिक नहीं लगाना, मुझे स्टाइलिश दिखना है। तुम दो वैसे ही सुंदर हो। आराम से, मैं किस लिए पैसे दे रही हूँ? तुम्हारी स्टाइल के लिए, बेब स्टाइल। मैंने कहा बंद करो। तुमने सब बर्बाद किया, तुमने मेरा लुक खराब किया। अच्छा काम किया तुमने, वैसे शहर की तुम बेस्ट स्टाइलिस्ट हो। शांत हो जाओ, लगभग हो ही गया, पुराना लुक वापस ला रहे हैं। सब बेकार है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। टीना स्टेज पर वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं वैसे भी ये नहीं कर पाऊंगी। हाँ। अरे झिक झिक मत कर, चल यार। नहीं, चल। नहीं 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 नहीं। ब्रावो ब्रावो, ये कैसी परफॉर्मेंस थी? मुझे लगता है ये शानदार है। हाय, शुक्रिया सबको, शुक्रिया। हाय, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया, अब चमकने की बारी मेरी है। चलो अब एलिस से सुने। ये क्या कर रही है दोनों? ये डांस नहीं है। इनके स्टेप्स तो आपस में मैच ही नहीं खा रहे। इन्होंने ये सीखा ही नहीं, हमने अलग डांस का रिहर्सल किया था। क्या तुमने उसका पहनावा देखा? उसे बेगम मैं जा रही हूँ। क्या मजाक है? क्या सोचा था गुरगुंज पे यकीन कर सकती हो? तो सही, हमें मम्मीज पसंद नहीं। मैं टीना को विनर घोषित करता हूँ। ये बेईमानी है। पता चला है ये एक धोखा है। ये रूटीन पिछले साल के विनर से चुराई गई थी। क्या? मैंने तुम्हें परफॉर्मेंस के लिए पैसे दिए और तुमने उन्हें चुरा लिया? बिल्कुल, हमें तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें तो तुम्हारा सोना चाहिए। धोखेबाज कहीं के,
बहुत हुआ, बस करो। क्रिस, मैं या फिर एलिस? हाँ चुन लो, सुंदर, सिल्वर या बकवास सा गोल्ड। हाँ, वो मेरा है। बस बहुत हुआ, ये मेरा है। जान ले गई बच्चे की। यही कि तुम हम में से किसको डेट करना चाहते हो ये बताओ। गोल्डन मर्मेड के साथ या फिर सिल्वर? ब्यूटी या बीस्ट? क्रिस मेरा है। नहीं, मेरा। मुझे तुम दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता। क्या? एक्चुअली मुझे तो किट्टी पसंद है। मैं जानती थी इस कोल के दिल की धड़कन बस मुझे ही चुनेगी, ना कि इन बेवकूफों को। नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो बस एक सस्ती मछली है। ये बिल्कुल ही किताबी कीड़ा है। नहीं, असल में बिल्कुल दिलचस्प है, स्कूल की हेड गर्ल, और मैं इसकी ओर चूमूंगा। ये तो एकदम किताबी कीड़ा है और हम है खूबसूरत मर्मेड्स। शांत चुप रहो, अब मैं इंचार्ज हूँ। इस स्कूल की धड़कन को मैं डेट कर रही हूँ, समझे तुम लोग? तो अब हेड गर्ल के रूप में तुम्हारे बर्ताव के लिए मैं तुम लोगों को सजा देती हूँ। तुम दोनों को मेरे क्रिस को छूने का कोई हक नहीं था, तो अब तुम दोनों स्कूल का फर्श साफ करो। मुझे स्कूल की प्रेसिडेंट बनना बहुत पसंद है, यही सही है। थक गए। तो अच्छे से साफ करो, ये रोना धोना बंद करो। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती है। क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं हो और तुम लोग कभी कुछ नहीं बनोगी। एक्सक्यूज मी, मैं गलती से तुम्हारे स्कूल के पास से गुजरा। हाँ ये मैं ही हूँ। ऑटोग्राफ्स बाद में होंगे, उसके लिए खेद है, पर पहले ये बताओ कि टॉयलेट कहाँ पे है? बाजू में। वाह, क्या वो मेरे दिल के स्टार्स हैं? मेरी गोल्ड और सिल्वर राजकुमारियाँ। हम टीना और एलिस हैं। तुम दोनों वही हो जिनकी मुझे न्यू वीडियो सॉन्ग में बहुत जरूरत है। अब उठ जाओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सुपरस्टार बना दूंगा। क्या? हम तैयार हैं। हमें ले चलो। अब तो मैं शौचालय भी नहीं जाना चाहता। अब चलो चले मेरे स्टार्स, तुम एक शानदार मर्मेड फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हो। वाओ! क्या, उन्होंने ऐसा कैसे किया? कम से कम तुम मेरे साथ हो डार्लिंग। पता है क्या, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रही यार, मुझे एक सेलिब्रिटी वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, और तुम तो सिर्फ स्कूल की प्रेसिडेंट हो। लड़कियों थोड़ा रुको। क्रिस नहीं। पानी का बहना, सूरज का चमकना, हम सभी चमकते हैं और तुम सभी चमकते हो। यकीन नहीं होता उन्होंने मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दी। वेल, अब मैं उन्हें बताऊंगी। मैं कसम खाती हूँ उन्हें पूरे स्कूल के सामने मैं बेइज्जत करूंगी और टीवी स्क्रीन पर आके उन्हें शर्मिंदा करूंगी। ये सब क्या है? ये कौन है? हे दोस्तों, क्या हाल है? जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वापस एक्शन में हूँ, मेरी आवाज वापस आ गई, तो मैं तैयार हूँ। क्या तुम गा रही थी? क्या तुम गा रही थी? थोड़ा गाओगी? हाँ, मैं एक धुन बजा भी चुकी हूँ। सभी का आप
सबको हमारी सब्सक्राइबर एली याद है, उसने हमारे लिए एक सॉन्ग लिखा है और हमने इसे गाने का वादा भी किया था, तो चलिए हम लोग गाइस गाते हैं। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस पे ट्यून बनाना, इसे गाना, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। और हमें ये कहना होगा कि हमारे पास सबसे अच्छे, सबसे मजेदार सब्सक्राइबर यहाँ हैं। हम सिर्फ रैंडम लोग नहीं हैं, हम एक परिवार हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। ओके गाइस, अब बात सुनो, लाइक करो हमारे चैनल पर, कुछ कमेंट्स छोड़ो बड़े सारे, और हाँ सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, हाँ घंटी जरूर बजाना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करें, कम्युनिटी को देखो पूरे सोशल मीडिया पर। और अब सब लोग साथ देखना, तो मैं एक जादू करूंगा मैं। मैं लाइन भूल गई। क्या तुम शीट पढ़ रही हो? उन्होंने ये याद ही नहीं किया है वो ये सब कुछ। कोई बात नहीं, फिर कोई भी, फिर से भूल गई मैं, क्या था लाइन? मैंने गलती से तुम्हारे स्कूल के पास आकर पाठ मार दिया। सी रॉकस्टार। हाँ मैं। हाँ नहीं, हो वो लकी है, मुझे भी चाहिए। हाँ मैं भी उनके पीछे जाऊंगा। क्रिस। मुझे प्रॉब्लम है। ओह वेल डीमा, ये क्या हो गया?